सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय अखंडता दिवस के रूप में मनाते हुए एक कार्यक्रम का आयोजन रेदर पुलिस लाइन में किया गया, जिसमें एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे, एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा, एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा, आरआई उमेश कुमार दुबे सहित अन्य पुलिस के अधिकारी और जवान मौजूद रहे। इस मौके पर एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने लौह पुरुष के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने पुलिस कर्मियों को देश की एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूँगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूँगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूँ। जय हिंद। आज ये देश भर में सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल जी की हम लोग जयंती मना रहे हैं और इसको एक राष्ट्रीय अखंडता दिवस के रूप में घोषित किया गया है और देश की अखंडता और सुरक्षा की हमने आज शपथ सभी अपने कर्मचारियों को कराई है। सभी थानों, सभी पुलिस मुख्यालयों, सभी तहसील मुख्यालयों और SDPOs, ये आपके COs और SP दफ्तरों में ये कार्रवाई की गई है और इसका मकसद यही है, जनता में जागरूकता लाई जाए, देश के प्रति देश प्रेम बढ़ाया जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस अवसर पर हम शाम को 5 बजे पुलिस लाइन से पुलिस ऑफिस तक पुलिस मार्च पास भी करने जा रही है और सशस्त्र, और उसको एक झांकी के तौर पे हम निकालेंगे और आप सभी लोग उसको देखने के लिए आमंत्रित हैं।